नमस्कार। आज का विषय है घातांक एवं घात, यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये विषय हमें जानना क्यों जरूरी है। इस चित्र को तो आप भलीभांति जानते होंगे। ये है हमारी पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना बड़ा है कि आपसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। क्या आप सूर्य और शनि के बीच की दूरी जानते हैं? वो भी इतनी बड़ी है कि आपसे पढ़ी नहीं जाएगी। ये हमारा सौरमंडल है, जिसमें सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र पर है और इससे शनि की दूरी हमें दी गई है, जो कि इतनी बड़ी है कि उसे हम पढ़ भी नहीं सकते। तो ऐसे बड़े संख्याओं को निरूपित करने के लिए हमें घातांक और घात का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए यह विषय जानना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि घातांक क्या होती है और घातांकीय रूप क्या होता है। उसके पश्चात हम घातांकों के कुछ नियम देखेंगे, जो काफी उपयोगी साबित होंगे घातांकों को हल करने के लिए। और उसके पश्चात हम अंतिम में देखेंगे कि बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, जिससे कि हम उसे आसानी से पढ़ सकें और उसके साथ मूलभूत गुणा भाग ये सब कर सकें। आइए सबसे पहले जानते हैं घातांक और घातांकीय रूप के बारे में। आप देख सकते हैं कि 10,000 को हम 10 का 4 पर गुणा करके लिख सकते हैं, और इसका एक संक्षिप्त संकेतन है, जिसमें 10 को हमने बड़ा लिखा है और 4 को छोटा। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो संक्षिप्त संकेतन है उसमें 10 को हम आधार कहते हैं, यानी कि बेस, जो कि बड़ा लिखा हुआ है, और 4 को हम घातांक कहते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट, जो छोटा लिखा हुआ है। इस संक्षिप्त संकेतन को हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ जो संक्षिप्त संकेतन है उसे हम 10 के ऊपर घात, घात यानी कि पावर, 10 के ऊपर घात 4 या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। तो 10 की घात 4 को 10,000 का घातांकीय रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। इस तरीके से हम बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या हमारे पास 10,000 थी, हमने उसे संक्षिप्त करके 10 की घात 4 लिख दिया है, यानी कि उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांकीय रूप में लिख दिया है। आइए अब हम घातांकों के नियम देखते हैं। सबसे पहला नियम, एक ही आधार वाली घातों का गुणन करना। अगर हम देखें कि दो घातों का आधार समान है तो उनका गुणा करने पर उनकी घातांक जुड़ जाती हैं। जैसे कि एक घात है एक ही घात m और दूसरी घात है एक ही घात n, तो इसमें इन दोनों का गुणा करने पर हमारे पास आएगा एक ही घात m धन n। आप उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण में है 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 बराबर, अगर हम देखें तो इसे हम 5 को 5 बार गुणा करके लिख सकते हैं, यानी कि 5 की घात 5, और 5 3 और 2 का योग है, तो इसे हम 5 की घात 3 धन 2 भी लिख सकते हैं, इससे कि ये नियम सिद्ध होता है। आइए घातांकों का अगला नियम देखते हैं। दूसरा नियम है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करना। इसके अनुसार यदि दो घातों का आधार समान है तो उनको विभाजित करने पर उनकी घातांक घट जाती है। जैसे कि अगर एक घात एक ही घात m है और दूसरी घात एक ही घात n है, तो दोनों को विभाजित करने पर हमारे पास एक ही घात m ऋण n आएगा। उदाहरण देखते हैं। अगर पहली घात है हमारे पास 5 की घात 3 और दूसरी घात है 5 की घात 2, तो अगर आप इसे सरल करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 5 बचेगा, और 5 को हम 5 की घात 1 यानी कि 5 की घात 3 ऋण 2 लिख सकते हैं, इससे यह नियम सिद्ध होता है। चलिए घातांकों का अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम है इसका, जिसमें हम एक घात की घात लेना देखते हैं। इसके अनुसार यदि हम किसी घात की भी घात लेते हैं तो दोनों घातांकों का गुणा हो जाता है, यानी कि अगर हम एक घात लें एक ही घात m, उसकी भी घात अगर हम n लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं एक ही घात m गुणा n। आइए एक उदाहरण देखते हैं। इसके अनुसार अगर हम 2 की घात 3 की भी घात 2 लें तो हम इसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 लिख सकते हैं,
और पिछले नियम के अनुसार हम इसे जोड़कर 2 की घात 3 धन 3 यानी कि 2 की घात 6 लिख सकते हैं, जो कि 2 की घात 3 गुणा 2 होगा। इससे हम देख सकते हैं कि ये नियम भी सिद्ध होता है। आइए घातांकों का अगला नियम देखते हैं। चौथे नियम के अनुसार, जो कि है समान घातांकों वाली घातों का गुणन करना, उसमें हम देखेंगे कि यदि 2 घातों के आधार भिन्न भिन्न हों लेकिन उनके घातांक समान हों तो उनका गुणा करने पर आधार का गुणा हो जाता है और घातांक अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि अगर 1 घात है a की घात m और 2 घात है b की घात m तो दोनों का गुणा करने पर इनके आधार का गुणा हो जाएगा यानी कि a गुणा b की घात m। एक उदाहरण देखें तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 को 3 बार गुणा किया और 3 को 3 बार गुणा किया, तो इनको हम युग्म बनाते जाएंगे तो 2 गुणा 3 के 3 युग्म बनेंगे यानी कि 2 गुणा 3 की घात 3। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये नियम भी सिद्ध होता है। चलिए घातांकों का अगला नियम देखते हैं। पांचवा नियम, जो कि है समान घातांकों वाली घातों से विभाजन करना, उसके अनुसार यदि 2 घातों के आधार भिन्न भिन्न हो लेकिन उनके घातांक समान हो तो उनको विभाजित करने पर आधार का विभाजन हो जाता है और घातांक अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि अगर 1 घात a की घात m है और 2 घात b की घात m है तो इसका विभाजन करने पर हम देखेंगे कि हम इसे 1 का विभाजन b से करने पर और उस पूरे की घात m लेकर लिख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखें तो 2 की घात 3 को हम 3 की घात 3 से विभाजित करते हैं, तो इसे हम देखेंगे कि 2 को 3 बार गुणा कर सकते हैं और 3 को 3 बार गुणा कर सकते हैं, तो इससे हमें 2/3 के 3 युग्म प्राप्त हो जाएंगे, जिससे हम इसे 2/3 का घात 3 लिख सकते हैं। इससे हम देखेंगे कि ये नियम भी सिद्ध होता है। आइए घातांकों का अगला नियम देखते हैं। घातांकों का छठवां और अंतिम नियम है शून्य घातांक वाली संख्याएं। इसके अनुसार यदि किसी भी पूर्णांक संख्या की घात 0 लें तो उसका मान 1 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ एक आधार a है और उसकी घात हमने 0 ली है तो इसका मान 1 आएगा। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में हम 2 घात लेते हैं, दोनों घात समान है, यहाँ पर वो 3 की घात 5 है, तो दोनों का विभाजन करने पर हम जानते हैं कि 1 ही आएगा। और घातांकों के नियम के अनुसार देखें तो इसे हम 3 की घात 5 ऋण 5 यानी कि 3 की घात 0 भी लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 3 की घात 0 का मान 1 के बराबर होगा। इससे हम किसी भी आधार के लिए देख सकते हैं 0 को छोड़कर, तो हम देखेंगे कि कोई भी पूर्णांक संख्या है तो उसकी घात 0 लेने पर उसका मान 1 आएगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसमें है हमारे पास 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 5। हम देख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 इन दोनों का आधार बराबर है, तो हम पहले नियम के अनुसार इसे 2 की घात 3 धन 2 लिख सकते हैं और 5 की घात 5 वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसे हल करने पर हमारे पास आया 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो चौथे नियम के अनुसार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर घातांक तो एक जैसी हैं लेकिन आधार भिन्न भिन्न हैं, तो सीधे सीधे आधार का गुणा हो जाएगा और घातांक वही रहेगा यानी कि 2 गुणा 5 की पूरे की घातांक 5। अब हम इसे देख सकते हैं कि ये होगा 10 की घात 5। तो हम देख सकते हैं कि हमने इसको यानी कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 5 को सरल करके 10 की घात 5 लिख दिया है। आइए अब देखते हैं कि बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानक रूप क्या होता है। संख्या के उस रूप को जिसमें संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 5985, तो हम देख सकते हैं कि इसे हम 5.985 × 10³ लिख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक संख्या है 5.985 जो 1.0
जीरो और 10.0 के बीच में है और दूसरी संख्या है 10^3, यानी कि वो एक घात के रूप में है। तो इस तरह के रूपांतरण को हम मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। पहला, पृथ्वी का द्रव्यमान। आप देखेंगे कि हमने यहीं से इस वीडियो की शुरुआत की थी। हमने देखा था कि पृथ्वी का द्रव्यमान ये था, जो कि बहुत बड़ा है, जिसे हम पढ़ भी नहीं सकते। तो हम देखेंगे कि इसे मानक रूप में हम लिखेंगे तो इसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं और फिर इसके साथ हम इसके गुणा भाग वो सब भी कर सकते हैं। तो इसे मानक रूप में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 5.97 × 10^24 किलोग्राम। अब आप देखेंगे कि इस बड़ी संख्या को हमने संक्षिप्त संकेतन में लिख दिया है और साथ ही साथ इसको हमें पढ़ने में आसानी भी हो रही है। दूसरा देखेंगे तो हमने देखा था कि सूर्य और शनि के बीच की दूरी कितनी है, तो वो भी इतनी थी जो हमसे पढ़ी नहीं जा रही थी। तो उसको भी अगर हम मानक रूप में लिखेंगे तो वो आएगा 1.4335 × 10^12 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं कि इसे भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं और साथ ही इसका गुणा भाग भी आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना था कि घातांक और घातांकीय रूप क्या होते हैं। हम किसी भी संख्या को उसके घातांकीय रूप में लिख सकते हैं, तो उसमें हमारे पास एक आधार होता है और दूसरी उसकी घातांक होती है। उसके पश्चात हमने घातांकों के 6 नियम देखे थे, जिससे हम घातांकों को और सरल कर सकते हैं। तत्पश्चात हमने देखा था कि बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, जिससे कि हमारे जो आसपास के गणनाएं हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसको हम सरल से रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।